एकता को बर्बाद करेगा, ऐसे लोगों को नहीं छोड़ा जाएगा, उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा भी चलाया जाए, क्योंकि वो देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, ना कि जोड़ने का। क्योंकि देखिए प्राइम मिनिस्टर हमारा भी है, क्योंकि देश का प्राइम मिनिस्टर, इस देश में हम भी रहते हैं, तो मोदी जी हमारे जितने हिंदू भाई के प्राइम मिनिस्टर, उतने मुसलमान भाई हैं, क्योंकि ये पूरे होल हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर, तो मैं प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर हमारा भी है, आपका भी है, तो मैं प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वो चाहेंगे तो वो चाहेंगे पार्लियामेंट में भी लोकसभा में भी सरकार, वो चाहेंगे ऐसा कानून ला सकते हैं। जितने बड़े 10 स्लॉटर हाउस है, मैंने अपने फेसबुक पे शेयर भी किया है, 30 स्लॉटर हाउस लिखू, जितने 10 बड़े बड़े स्लॉटर हाउस सब हमारे हिंदू भाइयों के, अगर आपको मुसलमान गाय नहीं खाता है तो उसको आप कत्ल कर दे रहे हैं, लेकिन जो स्लॉटर हाउस हिंदू भाई चला रहा है, आपके यहाँ हिम्मत है तो जाके पहले उस स्लॉटर हाउस को बंद करवाइए, क्योंकि मुसलमान बीफ खाता नहीं है, मुसलमान न बीफ को तो कोई तवज्जो करता है, लेकिन अगर बीफ पर हिंदुस्तान अभी पूरे वर्ल्ड में हिंदुस्तान नंबर 1 बन चुका है एक्सपोर्ट में, जो बीफ एक्सपोर्ट ब्राज़ील को पीछे छोड़ दिया है, तो पहले बीफ एक्सपोर्ट को बैन करवाया जाए, क्योंकि मोदी जी का नारा था जब मैं सेंट्रल की हुकूमत में आऊँगा, तो गुलाबी क्रांति के नाम से उन्होंने कहा था, गुलाबी क्रांति, तो गाय का जो खून निकलता है तो गुलाबी क्रांति को बंद करवाऊंगा, और मोदी जी के आने के बाद देश में गुलाबी क्रांति का और जन्म हो गया है और इंप्लीमेंट हो गया है, और उसके नाम पे जो इंसानों को मारा जा रहा है, हम स्लॉटर हाउस के खिलाफ नहीं है, हम इंसानियत को जो तरोतार किया जा रहा है, इंतजाम किया जा रहा है, हम उसके खिलाफ हैं, आप जितना जल्दी हो सके मोदी जी इस पर बैन करवाएं, और आपके स्टेटमेंट मैंने आपको कहा था ना, आपने जो स्टेटमेंट दिया है इसे तुरंत पार्लियामेंट में इसे प्रोड्यूस करवाएं और पार्लियामेंट से बिल पास करवाएं। कतर में जो है अभी कतर में 60 काउ जिंदा काउ उसको कतर भेजा है, वहाँ क्या वहाँ पर उसको दूध देने के लिए भेजा है, इंडियन गवर्नमेंट जो है कतर गवर्नमेंट को भेजा है, जब आपको काउ बाहर ये काउ के अगेंस्ट।